देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। बांदा नरैनी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खरोज दबंग कोटेदार पुष्पेंद्र सिंह द्वारा 7 माह से राशन सामग्री का वितरण न करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्रामीणों ने बताया कि थाना दिवस, तहसील दिवस सहित हम लोगों ने सामूहिक तौर पर अधिकारियों को जानकारी दी, परंतु कोटेदार द्वारा अभी तक राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया है। जबकि बांदा डीएम ने कोरोना महामारी के चलते सभी कोटेदारों को 1 तारीख को राशन सामग्री वितरण करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी दबंग कोटेदार ने सरकारी आदेशों की उड़ाई धज्जियां और नहीं किया गरीब असहाय और विधवा महिलाओं की राशन सामग्री का वितरण। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे घोटालेबाज कोटेदार के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं, या कोटेदार द्वारा ऐसे ही बहानेबाजी के बयान देकर बचते रहेंगे। बांदा से उमेश यादव की रिपोर्ट। का नाम है अम्मा जी? जानकारी। कौन से गांव के हैं? यहीं के। कौन गांव? खराउट के। कौन सा गांव है? खराउट के। खराउट। हाँ। आपका राशन कार्ड बना है? हाँ। और कौन सा राशन कार्ड बना है? बना लाल। लाल वाला। हाँ। आपको कितने महीने से गल्ला नहीं दिया गया है? अब दूसरा महीना है। 2 महीने से नहीं मिला है गल्ला? हाँ। अब भैया नहीं रहा गल्ला, हमारा नहीं। कब मिलता था गल्ला? मिल कर रहा है पहले। 2 महीना पहले? हाँ। अब है दूसरा महीना। कितने महीने का नहीं मिला है? 2 महीना। 2 महीना का नहीं मिला है। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा कमल प्रसाद नाम। कहाँ रहते हैं? ग्राम खराउट में। अच्छा, कैसी समस्या है यहाँ पर? सर, समस्या यह है कि दबंग किस्म का प्रधान है, कोटेदार है, कुर्सी का लड़का, और इस महामारी की उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने जो गरीबों के लिए सहायता भेजी है, उस गल्ला का जो है ये सब लोग बेच बांट के दारू मुर्गा कर लेते हैं और गरीब जनता मरी जा रही। कब से आप लोगों को राशन नहीं मिला? 5-6 महीने से लगभग होगा सर। क्यों नहीं मिला, क्या कह रहा है वो? अंगूठा लगवा लेता सर, गरीब आदमी यहाँ के जो है अनपढ़ आदमी है, और कहता है मैं राशन कार्ड दे दे चढ़ा के वही रफादा पकड़ देता। कितने लोग परेशान है इससे? पूरा गांव परेशान है। कभी शिकायत की आप लोगों ने? जी अभी तहसील दिवस में दिया सर, वहाँ 50-60 महिलाएं लेकर गए, कोई सुनवाई नहीं। स्टाम्प लगाओ, 3 कोई सुनवाई नहीं की। जी क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र पटेल, ग्राम पंचायत खरौंद में कोटे की दुकान। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि अभी तक गल्ला नहीं वितरण हुआ, क्या समस्याएं थी, किस लिए वितरण नहीं आप कर पाए? श्रीमान जी, 2 दिन तो हमारी मशीन और सर्वर की वजह से हम लोग वितरण नहीं कर पाए हैं, और दूसरी चीज़ आज हमको वितरण ही करना था, कुछ लोगों को किया है, कुछ लोग रह गए हैं, देर से वितरण हो रहा था, गांव तक उनको सूचना नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई हैं जिस वजह से हम आज किसी को अपने गाँव में अवगत नहीं करा पाए हैं। डीएम साहब का आदेश था कि 1 तारीख को सभी लोगों को गल्ला वितरित कर देना चाहिए। जी सर। उस उपलक्ष्य में अभी आज कौन सी तारीख है? श्रीमान जी आज तो 8 तारीख है। 8 तारीख है, अभी तक गल्ला नहीं अभी आपका वितरित हुआ है, क्या मेन समस्या थी? सर, जो हमारे ई पास मशीन है सर, गांव में सर्वर ना होने से फिंगर लगने में समस्या चल रही थी, जितना लगता जा रहा था उतना।